Welcome back to all. On the study portal has Kamaksha. It's me, Kamaksha Vandili. Today I am going to explain you chapter 5, Mother's Day of Class 11th Snapshoot Book. Friends, it is the sixth part of our chapter. To study the other parts, go into the description box and click on the link. There are 10 total part of this chapter. Friends, don't forget to like, share, or subscribe my channel for the latest updates. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट ऑल्सो डारेस्ट मतलब गुस्से में गो ऑफ फॉर द वीकेंड क्या मतलब वीक के एंड में छुट्टी पर चली जाएंगी क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को पढ़ने से पहले इसके पहले वाली वीडियो जरूर पढ़िएगा स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो मिसेस पियर्सन थी वो बोल रही थी कि अब हम भी आप लोगों की तरह फोर्टी आवर वर्क डे पर डे फोर्टी आवर आवर वीक में काम करेंगे और टू डे सैटरडे और संडे छुट्टी पर जाएंगे ओके एट आवर डे पर काम करेंगे ओके okay? तो डॉरिस्ट पूछती है आप क्या छुट्टी पर चली जाएंगी दो दिन के लिए सैटरडे और संडे के लिए मिसेस पियर्सन वाई नॉट क्यों नहीं जाऊंगी आई कुू विथ अ चीन मैं अपने आप में चिन्ह ला रही हूँ स्टक हेयर डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक इफ आई डोंट नीड अ चीन हाउ हू डज वो बोलती हैं मुझे हर दिन के बाद दिन हर हफ्ते बाद हफ्ते हफ्ता मुझे ही को काम करना पड़ता है क्यों ना मैं अपने अंदर चिन्ह लाऊं और मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा अगर मुझे ज़रूरत नहीं होगी इस चेंज की इफ आई डोंट नीड अ चेंज अगर मुझे ये चेंज की जरूरत नहीं होगी तो किसी होगी हु डॉरिफ वट वेयर वुड यू गो पर आप कहाँ जाएंगी हु वुड यू गो विद और किसके साथ जाएंगी आप मिसेस पियर्सन दैट इज माई बिजनेस ये मेरा मामला है यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद डू यू ये मेरा मामला है अगर तुम मुझसे नहीं पूछती हो कि तुम किसके साथ जा रही हो और कहाँ जा रही हो तो मैं क्यों पूछूँ दैट इज़ डिफरेंट वो अलग चीज़ है मम मिसिज पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ तो मिसेज़ पियर्सन बोलती हैं बस तुम में और मुझ में फ़र्क इतना ही है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ और अपनी आपको अच्छे से देखभाल कर लूँगी सो इट इज़ यू यू शुड डू द आस्किंग तो फिर तुम तो फिर तुम वो हो जिसे पूछना चाहिए मुझसे कि मैं कहाँ जा कि तुम कहाँ जाओगी और किसके साथ जाओगी ना कि मैं पूछूँगी कौन बोल रहा ये मिसेस पियर्सन बोल रही हैं डॉरिस डिड यू फॉल और हेट योर सेल्फ इज क्या आप कहीं गिर गई हैं आपको कुछ लग गया है क्या M, मतलब चोट आई है क्या कि, किसी चीज से मिसिस पियर्सन नो मिसिस पियर्सन बोलती हैं शांति से नहीं मुझे नहीं है वट आई विल हिट यू विद समथिंग पर मैं तुम्हें जरूर किसी चीज से मार दूंगी और तुम्हें चोट लग जाएगी गर्ल इफ यू डोंट आस्किंग सिली क्वेश्चन अगर तुम अपने जी बेवकूफी क्वेश्चन बंद नहीं करोगी मुझसे पूछना तो मैं तुम्हें, तुम्हें जरूर मार दूंगी और तुम्हें चोट आ जाएगी डॉरिस एट हर ओपिन माउथ डोरिस अपने खुले मुंह के साथ मतलब मुंह खुला हुआ था और एक एकटक होकर देखने लगी मतलब भौचक्का हो गई थी रेडी टू क्राई फिर से ही रोने वाली थी डोरिस ओ दिस दिस इज अफुल ये बहुत ही बेकार है बहुत ही भय हो शी बिगिनस क्राई वो रोने ही वाली थी नॉट पेशनेटली मिसेस पियर्सन कोली स्टॉप लवरिंग रोना धोना बंद करो यू आर नॉट अ बेबी तुम बच्ची नहीं हो इफ यू आर इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो विथ चार्डलेस स्पेंस अगर तुम चार्लिस स्पेंस के जाने के जाने ए, ए, के साथ जाने के लिए बड़ी हो गई हो यू आर ओल्डर इनफ टू बिहेव प्रॉपरली तो फिर तुम इतनी भी बड़ी इतनी भी लायक हो गई हो कि तुम अच्छे से बिहार करो ना स्टॉपिट अब रोना धोना बंद करो ना अब जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ जॉर्ज पियर्सन जो मिसिस पियरसन एनी पियरसन के हस्बेंड है वो आए ही इज़ अबाउट फिफ्टी वो पचास आ, पचास साल की थी करीबन फंडामेंटली डिसेंट वट सोलम गंभीर महान व्यक्ति थे सेल्फ इम्पोर्टेंट उनकी खुद महत्वता था पॉम्पस थे प्रीफरेबल ही शुड बी आर हैवी वो थोड़ी भारी भरकम थी स्लो मूविंग टाइम धीरे धीरे चलती थी वो थोड़ा ही नोटिस डॉरिजीयर उन्होंने डॉरिस जो उनकी डॉटर है उसकी आंसूओं पर टीयर्स पर ध्यान दिया doris sorry george hello what is this hello namaskar kya ho raha hai ye can't be anything to cry about kya koi uh, can't be anything to cry about kuch karone ke liye topic ho gaya hai doris there there so you will see आप देखिए क्या हो गया है तो मैं रो रही हूँ. doris run out left doris चली गई with a sob or two on the way जॉर्ज स्टेयर आफ्टर हर अ मोमेंट जॉर्ज स्टेयर आफ्टर अ मोमेंट जॉर्ज उसी को देखते रहे पल के लिए दैन लुक्स एट मिसेस पियर्सन फिर उन्होंने मिसेस पियर्सन की तरफ देखा जॉर्ज डिड शी से यू विल सी जॉर्ज पूछती हैं क्या उसने ये कहा है कि आप देखिए मिसेस पियर्सन यस मिसेस पियर्सन बोलती हैं हाँ यही कहा है जॉर्ज वट इट शी मीन उसका मतलब क्या है मिसिस पियर्सन बेटर आंसर बेहतर होगा उसी से पूछो ये चीज जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन ऐट द डोर जो जॉर्ज हैं जो डॉरिस की फादर है वो उस डोर को जहाँ वो उनकी लड़की डॉरिस चली गई उसको फिर से एक बार देखा एंड इट एंड दैन ऐट मिसेज पियरसन और फिर से मिसिस पियर्सन की तरफ देखा दैन ही नोटिस इज दउट दैट मिसिज पियरसन रेसिस फॉर एनादर्सी फिर उन्होंने जो मिसिस पियरसन स्टाउट लिए थी बियर लिए थी जो उसका फिर से एक घूट लेने वाली थी उसे देखा हिज आईज ऑलमोस्ट वर्ल्ड उनकी आँखें देख के चौक गई थी ये ये चीज उभर आई थी मतलब आँखें निकल टाइप आई थी उभर आई थी बजमीज उभारोना फ्रेंड्स टर्न द पेज मतलब चौक गए थी थे किस लिए उभर आई थी उनकी आईज जॉर्ज स्टाउट जॉर्ज बोलती है स्टाउट ले रही हो इट्स मींस बियर ले रही हो मिसिज पियर्सन यस जॉर्ज अमेजड हो गए चौक गए व्हाट आर यू वॉट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर तुम स्टाउट क्यों पी रही हो स्टाउट क्यों पी रही हो मतलब बियर क्यों पी रही हो मिसेस पियरसन बिकॉज आर फैंसी क्योंकि मुझे इसका शौक है जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ डे इस वक्त दिन के इस वक्त शौक है मिसेस पियर्सन हाँ इस वक्त है यस वॉट इज रॉन्ग विथ इट एट दिस टाइम डे इस टाइम डी की बी लेने में तो क्या तकलीफ है क्या दिक्कत क्या है जॉर्ज बी हो गए मतलब चौंक गए नथिंग आई सपोज एनी वट आई हैव नावर सीन यू डू इट बिफोर दिक्कत कोई नहीं है पर मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा ऐसे बियर को लेते हुए मिसेस पियर्सन वेल यू आर सीइंग नाउ यू आर सीइंग मी नाउ ठीक है अच्छी बात है पर अभी देख रहे हो मुझे ऐसे जॉर्ज विथ हैवी डिस्टिस्ट बेमनसा से यस आई डोंट लाइक इट हाँ पर मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है इट डजेंट लुक राइट मुझे ये सही नहीं दिखता आई एम सरप्राइज रहती हूँ मैं चौंक गया हूँ तुम्हारी तरफ मिसेस पियर्सन वेल बहुत अच्छी बात है दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू बहुत अच्छी बात है ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चेंज होगा मेरी तरफ से मीन्स मिसेज पियर्सन में चेंज आया तो ये बहुत बड़ा चेंज है जॉर्ज व्हाट डू यू मीन तुम्हारा मतलब क्या है मिसेस पियर्सन इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू व सरप्राइज एट मी जॉर्ज मिसेस पियर्सन बोलती हैं ये पहला टाइम है और बहुत ही कम आता है ऐसा टाइम जब तुम मुझ पर सरप्राइज होती हो चौंकती हो जॉर्ज आई डोंट लाइक सरप्राइज मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है आई एम ऑल आई एम ऑल फॉर अ डी गोइंग ऑन यू ऑट टू नो दैट बाई दिस टाइम बाई द वे आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडेंट वॉन्ट एनी टी मैं बाय द वे चलो वो, वो सब ठीक है और मैं तुम्हें ये बताना भूल गया हूँ कि इस मॉर्निंग मैं टी नहीं लूँगा स्पीस नुकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट एंड बिट ऑफ सपर गोइंग सो नो टी वो जो जॉर्ज है, हैं वो बता दें क्या क्या क्लब में हो रहा है इसलिए वो कोई टी नहीं लेंगे और उन्हें क्लब में जाना है मिस स्पीसन दैट इज़ ऑल वो सब ठीक है देर इजेंट एनी और वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला था मतलब टी नहीं बनने वाली थी अगली सुबह टी बनने वाली नहीं है तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं वो तो सब ठीक है अच्छी बात है जॉर्ज एस्टोनिस्ट चौक गए यू मीन यू मीन यू डिडेंट गेट एनी टी रेडी क्या तुम्हारा तो जॉर्ज बोलती हैं तुम्हारा ये मतलब है क्या कि तुम कोई टी रेडी करने वाली नहीं थी मतलब चाय बनाने वाली नहीं थी मिसिस पियर्सन यस मेरा यही मतलब है एंड अ गुड थिंग टू एज आई टर्न आउट और ये अच्छी चीज़ है कि मैं चेंज हो गई हूँ थोड़ी जॉट ए ग्रीव्ड दैट इज़ ऑल दैट इज ऑल वेरी वेल वट सपोज आई है वॉन्टिड सम मैं पिछली वाली लाइन से पढ़ती हूँ मिसिस पियरसन से क्योंकि थोड़ा गलत हो गया है सॉरी फॉर दिस मिसिस पियरसन यस एंड अ गुड थिंग टू आज इट इज़ टर्नड आउट और uh, बा, अच्छी बात है और आपको ये भी अच्छी बात है कि आपको चाहिए भी नहीं है और बनने वाली थी नहीं ये पहली वाली लाइन में मिसेस पियर्सन ने बोल ही दिया था तो और अगली लाइन में मिसेस पियरसन ने बोली बोला कि और अच्छी ये भी बात है कि आपको चाहिए भी नहीं है जॉड एग्रीड मतलब गुस्से में आ गए दैट इज़ ऑल वेरी वेल वो तो बहुत ही अच्छी बात है बट सपोज़ करो अगर मुझे चाहिए होती तो मिस इज पियसन माई गुडनेस लिसन टू द मैन हे भगवान इस में इस आदमी को सुनो एनवाइड बिकॉज गुस्से में इसलिए आ रहा आई डोंट कैट टी फॉर हिम क्योंकि मैं इसके लिए चाय नहीं, नहीं बना रही हूँ दैट ही डजेंट ईवन वॉन्ट और वो चाय नहीं बना रही हूँ जिस इसको भी नहीं चाहिए जिस चाय को इस इंसान को भी नहीं चाहिए इवन ट्राइड दैट एट द क्लब एवर ट्राइड दैट एट द क्लब ऐसा क्या गुस्सा कभी क्लब में दिखाया जॉर्ज ट्राइड वॉट एट द क्लब क्या गुजरे क्या चीज़ दिखाई क्लब में जॉर्ज पूछती है मिस इस पियर्सन गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग डैम गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग डैम यू डोंट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ बियर मतलब बार में जब जाती हो और उन लोगों को बताती हो कि आपको बियर नहीं चाहिए वट यू आर एनोइड नो इट बिकॉज दे हैवन ट ऑलरेडी पोरेटिड आउट आप क्या कभी बार पे जाती हो उन लोगों से बोलती हो मतलब जो बार देते बियर देते हैं कि आपको बियर नहीं चाहिए और इसलिए उन लोगों से गुस्सा भी होती हो कि उन लोगों ने आपकी बियर तैयार नहीं रखी है दैट दे, ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी वॉट यू गैट एक बार उन लोगों पर भी आजमाना ये चीज़ और देखना तुम्हारे साथ क्या होता है जॉर्ज के साथ जॉर्ज आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट जॉर्ज बोलती हैं मुझे नहीं मालूम कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो मिसेस पियर्सन दे हैड लाफ एट यू वो लोग भी जो क्लब में जाते हैं मिसेस सॉरी मिस्टर जॉर्ज उसमें मिसेस पियर्सन बोलती है, सब उपर हसते हैं सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं इवन मोर देन दे डू नाउ। दे हैड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ बहुत ज़्यादा तुम लोग मतलब आप पर तुम पर हंसते हैं किसने बोला जॉर्ज से बोला किसने बोला मिसेस पियर्सन ने फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक माय चैनल सब्सक्राइब इट फॉर द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू थैंक यू वेरी मच